जिला अधिकारी महोदय को मैंने पत्र लिखकर इस बात का आग्रह किया है कि जिस तरह से मिशनरी स्कूल अपने एक योजनाबद्ध तरीके से जनपद यानी पूरे प्रदेश में एक काकस बना के काम कर रही है, वह काकस टूटना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदी न पढ़ाई जाए, हिंदी के लिए मना किया जाए, इस तरह की शिकायत हमारे बस्ती जनपद में सेंट बेसिल और सेंट जोसेफ तमाम सारे जितनी मिशनरी स्कूलें हैं उसमें खास करके यह शिकायत आ रही है कि हिंदी पढ़ाने के लिए मना किया जा रहा है, कि हिंदी में बोला ना जाए, हिंदी में बात ना की जाए, बच्चों को मना किया जा रहा है। साथ साथ जो बच्चा अगर हिंदी में बोल देता है या बात कर लेता है तो उसको पनिश भी किया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ और जिलाधिकारी को पत्र लिखा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट बेसिल, सेंट जोसेफ, जो भी मिशनरी स्कूल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई जनपद में होनी चाहिए। दूसरा, एक मानक बनना चाहिए फीस का। फीस के जिसकी जो मर्जी आता है, वह छोटी चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, फीस अपनी मर्जी से बढ़ाकर तमाम सभी सुविधा शुल्क लेकर, और फीस कभी किसी किसी स्कूलों में तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के नाम पर सुविधा शुल्क के नाम पर 25-25 हज़ार रुपये ले लिया जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जन जागरण भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, तमाम सारे लोग आए थे बच्चों के गार्जियन कि फीस बहुत ली जा रही है, इसलिए जागरूकता के लिए एक अभियान चलाने जा रहा हूँ। और साथ साथ जिलाधिकारी को भी आग्रह किया है कि एक मानक बनाया जाए, मानक के अनुरूप ही फीस लिया जाए विद्यालयों में, और फीस के लॉकडाउन के समय फीस पर बहुत ज़्यादा कड़ाई न की।